प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर गन्नौर में पहुंचे, जहां एक विशाल रोड शो देवेंद्र कादियान द्वारा मुख्यमंत्री की मौजूदगी में निकाला गया और जहां अलग अलग जगह उनका भव्य स्वागत हुआ। पूर्व मुख्यमंत्री ने रोड शो की तारीफ करते हुए कहा कि काफी संख्या में लोग रैली में पहुंचे हैं। 3 निर्दलीय विधायकों द्वारा समर्थन वापस लिए जाने को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा में भूचाल जैसी स्थिति नहीं है और बीजेपी सरकार सुरक्षित है और सुरक्षित रहेगी। कांग्रेस और बीजेपी के विधायक उनके संपर्क में हैं। जब उनके साथ मीटिंग होगी तो विपक्ष की आंखें खुल जाएगी। पूरे देश और प्रदेश में कांग्रेस के प्रत्याशी भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं और भ्रष्टाचार में इतने ज्यादा डूबे हुए हैं कि छापेमारी के दौरान नोटों के पहाड़ निकलते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर लगातार निशाना साधा कि पिछली बार सभी 10 सीटें हार गए थे और हार की तकलीफ हो तो सोनीपत और रोहतक 2 सीट ही थी और इस बार तकलीफ 2 सीटों पर ना सहनी पड़े, इसलिए दीपेंद्र सिंह हुड्डा को ही मैदान में उतारा है। लोकसभा में 10 की 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज करेगी। विधानसभा में भी कंफर्टेबल मेजोरिटी के साथ जीत दर्ज करेंगे। जब ये जनता में पटाक्षेप होगा चीजों का तो जो फंसेगा सो फंसेगा, हम तो कोई ऐसा नहीं फंसाएंगे, वो जनता के भंवर में फंसेंगे। हमने कोई भंवर का जाल नहीं फैलाया है, हमारी सरकार सुरक्षित है, सरकार सुरक्षित रहेगी। ये अगर भंवर में फंसेंगे तो जनता के भंवर में फंसेंगे। आपके संपर्क में है क्या कांग्रेस या कुछ भी विधायक? बता तो रहा हूँ और क्या कहूँ सर। भूपेंद्र सिंह हुड्डा भ्रष्टाचार का आरोप बीजेपी पर लगा रहे हैं, भ्रष्टाचार के प्रदेश में राष्ट्रपति जो आप संज्ञा दे रहे हैं, भूचाल जैसी कोई बात नहीं है। हमारी सरकार स्थिर थी, स्थिर है, स्थिर रहेगी, किसी प्रकार की कोई समस्या आने वाली नहीं है। हम लोगों ने 13 मार्च को विश्वास मत प्राप्त किया हुआ है और कांग्रेस को लोग तो बाइकाट कर गए थे, भाग गए थे, एक प्रकार से जितने लोग वहां बचे हुए थे उन सब लोगों ने सर्वसम्मति से सरकार के हित में फैसला किया था। बात रही 3 जो इंडिपेंडेंट विधायक हैं, उन्होंने सपोर्ट वापस लिया है तो भी हमारी सरकार को बहुमत प्राप्त है और उसमें बहुत से ऐसे जो हमारे विधायक हैं हमारे संपर्क में है। हम जानबूझ करके इस विषय को बढ़ाना नहीं चाहते, वरना तो वो 33 जमा करके मजे से आगे बढ़ रहे हैं। जब वो करोड़ पाएंगे 23 भी बचा लें तब भी बड़ी बात है। आज हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार के जो लोगों के अंदर जितना उत्साह है उस उत्साह को देखते हुए ये 3 भी पछताएंगे और खाली पछताएंगे नहीं। कुछ लोगों ने तो संपर्क करना शुरू कर दिया है, गलती हो गई है, हमको वापस ले लो। हमने कहा थोड़ा इंतजार करें। सर, जेजेपी के विधायकों से आपने मुलाकात की है? ये है, ऐसा नहीं कि नहीं किया, वो पहले हमारे संपर्क में है। मैंने बताया कांग्रेस के लोग भी संपर्क में है, उनसे भी जब हम जब उनके साथ मीटिंग करेंगे तब उनकी भी आंखें खुल जाएंगी। हम कहते हैं चुनाव ठीक ठाक निकल जाए इसमें, नहीं तो मुँह की खानी पड़ेगी उनको। और वो मुँह की खाने के लिए उनको भी पता है, बहुत ज़्यादा किसी प्रकार का आग्रह दुराग्रह उनका नहीं है। एक मीटिंग वो करेंगे, हो सकता है गवर्नर साहब कभी भी कर लें, तो गवर्नर साहब और स्पीकर साहब ने अपने रोल करने हैं, उसमें हमें किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। ऐसा नहीं कि जनता ने नहीं देखना, पर जिस प्रकार का तमाशा अब हो रहा है ये उस समय भी हुआ था, ये 2019 में भी हुआ था। 2019 में हमारे वोट 3% बढ़े थे, अगर नहीं आंकड़े हो तो मैं दे देता हूँ। 34% वोट थे हमारे 2014 में, 37% मिले थे हमको 2019 में, लेकिन 14 में तो किसी को लगता ही नहीं था कि सरकार आ जाएगी। 19 को सबका लगता था कि नहीं, सतर्क रहना चाहिए और जो गठबंधन आज बन रहे हैं ये गठबंधन उसके बाद उसमें बन गए, तो गठबंधन बन गए, वोट ज़्यादा आने के बाद भी सीटें 5 कम हो गई। सीट कम ज़्यादा नहीं है, हमारा वोट परसेंट पहले भी बढ़ा था, इस बार भी बढ़ेगा और बढ़ने के बाद चाहे लोकसभा में 10 की 10 सीटें जीतेंगे, विधानसभा में भी कंफर्टेबल मेजोरिटी से हम लोग आए। थैंक यू सर। उनके लीडरों के बेटे आपके इसी जिले से, साथ के जिले से बेटे फंसे पड़े हैं, अंदर गए पड़े हैं, उनके बापों का भी पता नहीं है। आप उनके जो वर्तमान उनके प्रत्याशी हैं उनके बेटों की जमानत की अर्जियां लग रही हैं, सुप्रीम कोर्ट अर्जी के ऊपर विचार करने वाला है, तो ये सारी बातें आपको सामने हैं। मैं नाम लेता अच्छा नहीं लगता, सबको सबका पता है, इसलिए वो बच के अपने आप को बचा लें ये बहुत बड़ी बात है। मेरे खिलाफ जो कैंडिडेट है वही भगोड़ा घोषित किया हुआ था, वो जाकर के जमानत लेके आया है, तो अगर भगोड़े होते तो क्यों होते हैं? कहीं ना कहीं दोषी वृत्ति के लोग हैं। और ये खाली हरियाणा में नहीं है, पूरे देश में बहुत से कांग्रेस के ऐसे प्रत्याशी डूबे हुए हैं, बिल्कुल भ्रष्टाचार के अंदर इतने डूबे हुए हैं कि छापे में पहाड़ों के नोट निकल रहे हैं, यानी ढेर निकल रहे हैं, पहाड़ निकल रहे हैं, सैकड़ों करोड़ रुपया एक एक नेता के उनके स्टाफ के घर से निकल रहा है।
तो आखिर ये सारी चीज़ें जनता देखती है, केवल अखबारों की सुर्खियों के लिए नहीं है, जनता इसको महसूस करती है। और ये चीज़ें हरियाणा में भी हैं, बाहर भी हैं, आखिर उनके ऊपर भरोसा कौन करेगा। हमने तो 1.5 महीना पहले अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए थे, हमारी कोई समस्या नहीं है, लेकिन वो 1.5 महीने तक यहाँ की लिस्ट जा रही है, स्क्रीनिंग हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, अंदर खाते क्या चल रहा है, आपको पता तो हो है, लेकिन आप शायद बोलेंगे नहीं, मैं उसकी जानकारी रखता हूँ। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कह रहे हैं मेरी हार का बदला ले लेना, सोनीपत में आके भूल गए। मैं तो कह रहा हूँ आपकी हार का बदला लेंगे नहीं लेंगे, उन्होंने अपनी तकलीफ को ज़रूर कम कर लिया। क्या पिछली बार हारे तो 10 थे, तकलीफ तो 2 ही की थी सोनीपत रोहतक की, इस बार उन्होंने सोचा भी 2 की तकलीफ फिर ना सहनी पड़े, 1 की सहन कर लेंगे, इसलिए दोनों नहीं खड़े होते, 1 खड़े होंगे, तो स्वीकार कर लिया उन्होंने, तो वो अपनी तकलीफ को आधा करके गए हैं, तकलीफ तो उनको होनी है। दूषण चौटाला लगातार कह रहे हैं कि ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।